सोयाबीन में एक बार फिर जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स पर पिछले तीन ट्रेडिंग सेशंस में सोयाबीन लगभग 10% से ज्यादा फिसल चुकी है। दरअसल पोल्ट्री इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार से सोया डीओसी की इंपोर्ट समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, जिसके बाद सोयाबीन लगातार फिसल रही है। हालांकि पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड पर सोपा यानी कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने विरोध भी जताया था। सोयाबीन पिछले तीन ट्रेडिंग सेशंस में 10% टूटी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की इंपोर्ट बढ़ाने की मांग का असर इस पर देखने को मिला है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की इसकी समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ाने की मांग है। सोपा ने इंपोर्ट समय सीमा बढ़ाने की मांग का विरोध किया है। वहीं पिछले सीजन 12 लाख टन सोया डीओसी इंपोर्ट की अनुमति मिली थी। पोल्ट्री एसोसिएशन ने सरकार को चिट्ठी लिख सोया डीओसी इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इंपोर्ट समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की मांग कर रही है पोल्ट्री एसोसिएशन अभी इस समय। वहीं भाव पर काबू के लिए इंपोर्ट समय सीमा बढ़ाना जरूरी है, ऐसा पोल्ट्री वालों का कहना है। इससे सट्टेबाजी जमाखोरी पर लगाम लग सकती है। इस बीच सोपा इंपोर्ट बढ़ाने के खिलाफ है। घरेलू सोयाबीन उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। सोपा का कहना है कि उत्पादन बढ़ने से डिमांड सप्लाई नियंत्रण में है। इंपोर्ट समय सीमा बढ़ाने से भारी नुकसान होगा, सोयाबीन की खेती पर भी असर पड़ सकता है। सरकार की ऑयल सीड मिशन को झटका लगेगा। पोल्ट्री इंडस्ट्री की 90 लाख टन डिमांड की बात निराधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।